नमस्कार बच्चों, आज हम पहले मैंने आप लोगों को डायकॉट स्टेम द्विपत्री जो तना है उसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था। आज हम लेते हैं मोनोकॉट या एक बीजपत्री तना। तो एक बीजपत्री जो भी पौधे होते हैं, जैसे कि घास है, जो भी जिसमें पैरेलल विनेशन होता है, तो उसमें ये इस प्रकार का जो आंतरिक संरचना है वो पाई जाती है। तो जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, चित्र में आप देख सकते हैं, जैसे ये है ना, अगर हम इसका TS काटेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें कि बाहर एक एपिडर्मिस ये है और बीच में सारे जितने वैस्कुलर बंडल्स हैं, संवहन पुल हैं, वो बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके जो डिटेल जो डायग्राम है वो ये, जिसमें कि आपको उसके जो टिश्यूज़ हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। अब अगर हम इसका देखें तो मुख्यतः है हम इसको तीन भांति के ऊतक तंत्रों में विभाजित कर सकते हैं। बाहर की तरफ जो है वो त्वचीय ऊतक तंत्र या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो कि एपिडर्मिस जिसमें रहती है ना, तो एपिडर्मिस जैसे कि अधिचर्म इसमें दिखाई दे रही है कि देखिए ये एपिडर्मिस है ना, और जिसके ऊपर क्यूटिकल है। तो ये तो हुआ इसका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो और उसके बाद आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सारा जो इसके बाद जितना भी है वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या भरण ऊतक तंत्र, तो ये भरण ऊतक तंत्र जो वेस्कुलर बंडल्स के अलावा जो टिश्यू है, जैसे ये है, ये सब ग्राउंड में आता है। तो ये जो भरण ऊतक है इसके अंदर हम यदि देखें तो यह आपको दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ, ये हाइपोडर्मिस है जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस है, दृढ़ ऊतक टिश्यू से बनी हुई है। कहीं कहीं ये क्लोरेनकाइमा भी नज़र आ रहा है ना, कई बार एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी रहते हैं। तो स्टोमेटा जो है वो भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, या रंध्र जिसे हम कहते हैं, वो पाए जाते हैं। चित्र में नहीं दिखाई दे रहे पर रंध्र भी इसमें पाए जाते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जैसे कि दिख रहा है कि एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस जो है वो दो प्रकार के टिश्यूज से बनी हुई है, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा से। और बाकी ज़्यादातर जितना भी ये टिश्यू है जो ग्राउंड टिश्यू है वो पैरेनकाइमेटस या मृद ऊतकीय कोशिकाओं से बना हुआ है। इसमें अगर हम डिफरेंसेस हम बाद में लेंगे मोनोकॉट और डायकॉट में, पर जैसे कि जिया मेज है जिसे मक्का कहते हैं, या तो इसमें इस प्रकार का ऊतक दिखाई देता है जिसमें बाहर स्क्लेरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा दोनों होते हैं। कई में कोलेनकाइमा या स्थूल कोणों तक भी पाया जाता है हाइपोडर्मिस में। और जो ये कोशिकाएं हैं जैसे कि गेहूं में या कुछ घासों में, तना जो है वो इंटरनोड उसकी खोखली होती है, हॉलो इंटरनोड और सॉलिड नोड। जैसे इसका गेहूं का तना या घासों का तना आपने देखा होगा, तो वो इस प्रकार का होता है। तो जब बीच में से तना खोखला होता है तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर लेता है। जैसे हम देखें तो ये बीच में से खोखला है, तो यहाँ ये जो है वो
वैस्कुलर बंडल्स होते हैं और बीच में से ये खोखला होता है। तो ऐसा इंटरनोड गेहूं में और ग्रासेस में, जो गेहूं जो है वो ग्रास फैमिली का ही है, तो उसमें देखा जाता है, पोएसी फैमिली में देखा जाता है। अब हम वैस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक तंत्र तीसरा होता है। तो बेसिकली हर एक जो भी प्लांट का इंटरनल जो टिश्यू सिस्टम है, अगर हम रूट देखें, स्टेम देखें, तो वो तीन वर्गों में, जैसे हम पढ़ चुके हैं, वो बांटा जा सकता है, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। अब हम लेते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जैसे चित्र से स्पष्ट है कि इसमें ये बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं, और ये जो वैस्कुलर बंडल है, इसको यदि हम देखें तो इसके अंदर देखिए, ये जो है ये वेसल्स हैं, मतलब जाइलम है, और ये इसमें जो है वो पाया जाता है एक लाइसीजीनस कैविटी इसमें पाई जाती है। तो ये लाइसीजीनस कैविटी दिखाई दे रही है, और बड़ा जो जाइलम है वो बाहर की तरफ, छोटे जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ, पित्त की तरफ है। तो ये एंडा कंडीशन दिखाई दे रही है जो स्टेम में होती है ना, और ये इसके चारों तरफ जो है ये स्क्लेरेन्काइमा से ये वैस्कुलर बंडल ढका हुआ है। ये इसका फ्लोएम है, ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये फ्लोएम दिखाई दे रहा है, और ये देखिए, ये जो है ये प्रोटोजाइलम, ये भी प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, ये फ्लोएम, और ये लाइसीजिनस कैविटी। ये तो ये इस प्रकार की संरचना है। अब इसके अंदर आप बहुत डिफरेंसेस देख रहे होंगे डायकॉट और मोनोकॉट में। तो हम अब लेते हैं, देखिए पहले एपिडर्मिस हमने लिया कि इस प्रकार का हाइपोडर्मिस वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो हम देखें, तो कोलेट्रल एंडा क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स। फ्लोएम जो है वो मोनोकॉट में, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये प्रेजेंट पाए जाते हैं, पर ज़्यादातर ये फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं फ्लोएम में। जाइलम यदि हम देखें तो वेसल्स पाई जाती हैं, और वायश शेप का स्ट्रक्चर बनता है, और इसमें प्रोटोजाइलम, लेक्यूना या लाइसीजीनस कैविटी जो हम देख रहे हैं इसमें, ये दिखाई देती है। अब हम इसका यदि वो देखें कि डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में, डायकॉट और मोनोकॉट में, तो सबसे पहले जो डिफरेंसेस हैं वो हैं कि मोनोकॉट स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, जबकि डायकॉट में डिफरेंशिएटेड होता है। ये हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सब में विभाजित होता है, जबकि इसमें एंडोडर्मिस कुछ ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। यदि हम वैस्कुलर बंडल देखें तो वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो मोनोकॉट में बिखरे हुए होते हैं, और इसके अंदर ये रिंग में पाए जाते हैं। और वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, ये दोनों में ही कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, एंडार्क होता है ना, एंडार्क कार्ट मैंने बताया आप लोगों को, जिसमें कि प्रोटोजाइलम जो है वो पित्त की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की परिधि की तरफ होता है। और क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स मोनोकॉट में पाए जाते हैं, इसका मतलब है अवर्धी, अवर्घी का मतलब है जिसमें जो है वो ये नहीं पाई जाती है कैम्बियम, जबकि डायकॉट के वैस्कुलर बंडल्स में आपको ध्यान होगा
वेस्कुलर बंडल डायकॉट का जो है वो कैसा होता है। ये वेस्कुलर बंडल है जिसमें कि यहाँ ये जाइलम और इधर फ्लोएम और ये जो है ये कैम्बियम। तो बीच में कैम्बियम, इधर जाइलम, इधर फ्लोएम, ये ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो मोनोकॉट में एब्सेंट होती है। बंडल शीथ मोनोकॉट में हमने देखा स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, जबकि डायकॉट में अनुपस्थित, कोई बंडल शीथ नहीं पाई जाती। फ्लोएम, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स जो है वो पाया जाता है, और फ्लोएम पेरेनकाइमा मोनोकॉट में अनुपस्थित होता है, जबकि डायकॉट में उपस्थित होता है। मेडुलरी रेज डायकॉट में द्विबीज पत्री में पाई जाती हैं, जबकि मोनोकॉट में नहीं पाई जाती हैं। और ये जो पिथ है, मज्जा अनुपस्थित होती है मोनोकॉट में, डायकॉट में उपस्थित होती है, है ना। जैसे हम ये देखें तो इसमें पिथ जो है वो एब्सेंट है, जबकि अगर हम इसका ध्यान करें कि डायकॉट में क्या होता है, डायकॉट में ऐसे अरेंज्ड होते हैं रिंग में ना, तो वेस्कुलर बंडल्स है ना, तो ये बीच में पिथ पाया जाता है, जबकि इसमें ऐसा कोई पिथ नहीं पाया जा रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए मोनोकॉट में एब्सेंट होती है ज़्यादातर, और डायकॉट में प्रेजेंट होती है। मोनोकॉट स्टेम का अच्छे उदाहरण जो है सारे पोएसी फैमिली जो है वो मोनोकॉट का, जबकि डायकॉट में हेलियंथस और डायकॉट के बहुत सारे पौधे हैं वो सब इसमें होते हैं। तो ये हमने सामान्य संरचना मोनोकॉट और डायकॉट की, इसमें क्या डिफरेंसेस हम देखी। इसी तरीके अब हम इसका एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, यानी कि असंगत जो है वो किस प्रकार की जो टिश्यूज़ हैं वो पाए जाते हैं। तो असंगत संरचनाएं हम बाद में लेंगे, नेक्स्ट उसमें लेंगे।